हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन तैयारी। और आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे 5 जुलाई के, 5 जुलाई को आपसे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में। आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, सो वहाँ जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सा टॉपिक फिर से फोकस किया गया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो या भारत का जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बारे में आपसे पूछा गया है, उनका नाम पूछा गया है। सो अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद जो थे वो इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे, राइट? सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? तो ये पीडीएफ आप देखते हो, बहुत सारे पीडीएफ आप डाउनलोड भी करते हो, है ना, मटेरियल के लिए। सो एग्जैक्टली आपसे पूछा गया है कि जो पीडीएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सो दैट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो आपका जो पीडीएफ का फुल फॉर्म है, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो भारत में जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा जूट को पैदा किया जाता है, राइट? व्हाट इज द अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जो प्रतिरोध है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो एस आप सबको पता होनी चाहिए ये चीज़, ओम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ आईसीसी? सो आईसीसी की जो पहली स्वतंत्र महिला निदेशक थी वो किनको नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया है। सो इंदिरा नुई थी जिनको पहली बार पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वैक्सीन के बारे में आपसे पूछा गया है, नाम है टाइफिन 6। तो ये जो वैक्सीन है कौन सी डिजीज में, कौन से रोग में लगाई जाती है पेशेंट को, वो पूछा गया है। सो टाइफाइड अगर हो जाता है तो ये वैक्सीन दी जाती है, राइट? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? जो असहयोग आंदोलन था वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1920 में आपका ये असहयोग आंदोलन शुरू करा गया था। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा है हु वॉज द हेड कोच ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप? जो अंडर 19 मतलब 19 साल की जो एज है उसके अंडर वाली जो प्लेयर्स हैं, उनका विश्व कप जो खेला गया था उसके जो मुख्य कोच थे वो कौन थे? सो राहुल द्रविड़ कोच थे अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के, राइट? सो वेयर इज द हेड क्वार्टर्स? ये इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के बारे में पूछा गया है, राइट? तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मीजर्स लोकेटेड? जो वजन और माप का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रांस में है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जा सकता है एग्जाम में, है ना? और दूसरा आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज, जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो कौन से रोग में यूज़ की जाती है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो क्षय रोग होता है, टीबी जिसे कहा जाता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जादू गोरा इन झारखंड इज फेमस फॉर? तो झारखंड में जादू गोरा नाम की जगह है, तो ये किसके लिए फेमस है? तो ये क्वेश्चन है, सो यूरेनियम है वहाँ, मिलता है उस जगह पर, तो यूरेनियम के लिए इसको फेमस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ स्थित है? तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे कामाख्या मंदिर स्थित है? तो असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। तो स्टूडेंट यहाँ से टेम्पल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। इनका एक करंट इनका जो चल रहा है 2020 में इनको कंप्लीट होगा, प्रणब मुखर्जी के टाइम पर इनको अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद कर सकते हो कि जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम बताइए, है ना? तो ये एक और क्वेश्चन है आपका जो इस क्वेश्चन से बनता है, हु डिस्कवर्ड सुपर कंप्यूटर? जो सुपर कंप्यूटर है उसकी खोज सब किसने की थी? तो सैमुअल क्रे जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर को डिस्कवर किया था, इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर की सबसे पहले खोज की थी, राइट? सो विच एयरपोर्ट इन द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है? तो ये लहासा एयरपोर्ट है, जो आपका देखा जाए तो सबसे ऊंचाई पर है ना? सो ऑल
ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जाए तो ल्हासा एयरपोर्ट है जो आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित है. हु वॉन वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019? तो जो 2019 का महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन था वो किसने जीता है? तो नाम याद रख लीजिए आप, नाओमी ओसाका, इन्होंने इसको जीता है ना. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हु वॉन द पुलित्जर प्राइज 2019 इन पोइट्री? तो जो कविता का क्षेत्र होता है आपका, उसमें पुलित्जर प्राइज किसने जीता है उसकी बात हो रही है. तो ये रिचर्ड पावर्स हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, राइट. अगला क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं आपसे पूछा गया है. सो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं ये. और आप ये भी देखो, आप इस तरह से सिर्फ स्पोर्ट्स से किस तरीके से पूछा जा रहा है. पर्सनालिटी में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर इधर टेलीविजन के फील्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी. कई बार फील्ड से रिलेटेड भी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पर्सनैलिटीज आपसे पूछ ली जाती हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ चेंज इन इंडिया? तो चेंज इन इंडिया जो बुक है उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, आपसे पूछा गया है. सो आपका आंसर है APJ अब्दुल कलाम. तो APJ अब्दुल कलाम ने ये लिखी है, चेंज इन इंडिया. स्टूडेंट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के थे, आपसे पूछे गए आपके एग्जाम में. सो यहाँ से आप देखो टॉपिक्स, आप ऑलमोस्ट अगर डेली का एनालिसिस देखोगे ना अब से अब तक, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, आप जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है उनके लिए पेपर डेफिनेटली डुएबल लग रहा होगा. एंड दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर द सेलेक्टेड टॉपिक्स, उनके लिए डेफिनेटली पेपर थोड़ा सा टफ रहा होगा. सो इसी तरीके से एनालिसिस के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सेशन को आप देखते रहिए. आपको यहाँ पर डेली का जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. सो आने वाली शिफ्ट में आप में से किसी का एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम को देकर आइएगा. एंड स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आप इसी तरीके से प्रिपरेशन को करते रहिए. थैंक यू सो मच.